गाइस वेलकम बैक। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने ओला S1 एयर के टोटल तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है, 2 kWh, 3 kWh एंड 4 kWh। हालांकि तीनों ही वेरिएंट अच्छे हैं, बट सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी कौन सा होने वाला है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो ओला S1 एंड S1 प्रो को इसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम द डिजाइन। वेल, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कॉमन चीज क्या है ये तीनों वेरिएंट्स में, यानी 2, 3 एंड 4 में। पहली चीज तो जो टॉप स्पीड है, 85 kilometer per hour टॉप स्पीड देखने मिलती है। यहाँ पे तीन मोड दिया गया है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे आपको मिलता है एक BLDC मोटर, यानी हब मोटर मिलता है यहाँ पे, जो कंटिन्यूस पावर जनरेट करता है, दैट इज 2.7 kW, और पीक पावर की बात करते हैं तो 4.5 kW, जो कि ठीक ठाक है BLDC मोटर के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे आपको हाइपर मोड नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन मोड दिया गया है। अब बात करते हैं भैया प्रैक्टिकलिटी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ओला S1 एयर लिटरली शाइन करता है ओवर ओला S1 एंड S1 प्रो। ओला S1 एयर में आपको फ्लैट फ्लोर बोर्ड मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा जो बूट स्पेस है, दैट इज 34 लीटर। अगर ओला S1 एंड S1 प्रो से बात करें तो उसमें 36 लीटर है, बट 34 लीटर प्लस फ्लैट फ्लोर बोर्ड एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, एंड तगड़ा स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने मिलता है। बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टच स्क्रीन, क्या यहाँ पे मिल रहा है। यस, दे आर प्रोवाइडिंग 7-inch टच स्क्रीन, जो हमको ओला S1 एंड S1 प्रो में मिलता है, बट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसको डिग्रेड किया गया 800x480, जैसे होता है ना 1080p 720, वैसे 480p का ये स्क्रीन देखने को मिलता है। तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो चुका है इस वाले वेरिएंट में, बट जिस प्राइस पॉइंट में व्हीकल्स आ रही है आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है इस व्हीकल में। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट में गाड़ी आ रही है उस प्राइस पॉइंट में ये सारी फैसिलिटी दे देंगे तो ये प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको वही LED हेडलाइट मिलता है, वही DRS देखने को मिलता है, वही इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, इवन यहाँ पे जो पार्टी मोड है वो भी देखने को मिलता है। यानी चीजें तो सारी ही है जो ओला S1 एंड S1 प्रो में है। वही चीज आती है ग्रेडिबिलिटी की, यानी कि कितने डिग्री की इंक्लाइन ये चढ़ सकता है। तो 10 डिग्री की ग्रेडिबिलिटी है, यानी 10 डिग्री की चढ़ान ये इजीली चढ़ सकता है बिना किसी गत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे इस गाड़ी का जो वेट है वो लिटरली काफी लाइट है, 99 kg देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस से 165 mm। बाकी जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, डायमेंशन को कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। यहाँ पे जो व्हील्स है, यहाँ पे मिलते हैं 90x90 के टायर्स और 12-inch के व्हील्स है फ्रंट एंड रियर में। चीजें तो बाकी सब कुछ सेम देखने को मिलती है, बट सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आता है वो है सस्पेंशन ड्यूटी। यहाँ पे मिलता है आपको फ्रंट में डुअल सस्पेंशन एंड रियर में मिलता है डुअल सस्पेंशन, बिकॉज BLDC मोटर है। फ्रंट का जो सस्पेंशन है दैट इज टेलीस्कोपिक और काफी अच्छे रिजिड प्रोवाइड करेगा। जो अभी तक ओला S1 में हम लोगों ने इश्यूज फेस किए हैं, इश्यूज देखे हैं, फ्रंट टायर जो कनेक्टिविटी है टेलीस्कोपिक फोक से वो ब्रेक होने के बहुत सारे न्यूज़ है, वो सारे इश्यूज आपको ओला S1 एयर के किसी भी वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बना ही वैसा है। यहाँ पे ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है। अब मेन चीज बात करते हैं वो है इसकी बैटरी एंड द रियल रेंज। 2 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ आप जाते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 85 km की रेंज, बट एक्चुअल आपको मिलेगा 60-65 km विद अ सिंगल चार्ज, मैक्स टू मैक्स 70 km, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने दूसरी गाड़ी को भी चेकआउट किया है, उनके भी इतने रेंज शो करते हैं, बट एक्चुअल में 60-65-70 तक मैक्स जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। वही आता है 3 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक। अगर इस वेरिएंट की बात करते तो कंपनी क्लेम करती है 125 km विद अ सिंगल चार्ज, बट एक्चुअल में आपको रियल रेंज मिलेगा 100-101 km। ज्यादा अगर आप अच्छे से यूज कर रहते हो तो इसका 105 km इजिली खिंच जाएगा, बट अगर आप थोड़ा रफ चलाते हैं तो 90-100 के बीच में आपको रेंज इस वाले वेरिएंट में मिल जाएगा। अब आता है सबसे हाईएस्ट जो है 4 kWh लिथियम बैटरी पैक के साथ, इसकी कंपनी रेंज बोलती है 165। अब आप लोग के मन में ये भी आएगा कि 2 kW 3 kW एंड 4 kWh जो बैटरी पैक है ये तो ओला S1 एंड S1 प्रो में भी है, बट उसमें रेंज थोड़ा ज्यादा है। पहले मैं इसको भी आगे डिफाइन करूंगा, पहले बात करते हैं 4 kWh जो बैटरी पैक है उसमें 165 जो IDC रेंज है उसमें एक्चुअल रेंज कितना मिलेगा, वो आपको 120-125 मिलेगा, डिपेंड ऑन योर राइडिंग कंडीशन, इससे कम भी मिल सकता है अगर हार्श आप चलाते हैं तो। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे जो रेंज ड्रॉप देखने को मिल रहा है BLDC मोटर में, वो चीज हमको जो मिड ड्राइव मोटर है उसमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। जो BLDC मोटर है वो इनिशियल में थोड़ा पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, इसी कारण से इन व्हीकल्स की जो रेंज है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है, 5-5 km सब में कम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर होता तो सबकी जो रेंज होती है थोड़ी ज्यादा होती, तो ऐसे आप समझ पाए होंगे कि क्यों BLDC मोटर में जो रेंज है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। बात आती है प्राइसिंग की, तो देखो 2 kWh जो लिथियम आयन बैटरी
पैक है, इसका जो प्राइस है वो 84,999 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 99,999, 4 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ जाते हैं तो 109,999। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखो प्राइस डिफरेंस तो अच्छा खासा है। वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो अगर आपकी रनिंग 60 से 70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, वैसे तो ये तो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, इससे कम ही होती है, अगर इतनी भी है फिर भी आपके लिए 3 किलोवाट आवर जो लिथियम आयन बैटरी वाला पैक वाला जो मॉडल है जो वेरिएंट है वो लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 2 किलोवाट आवर में आपको क्या होगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी होगा रेंज का, वही चीज 4 किलोवाट आवर में ऐसा है प्राइस तो अच्छा खासा पे कर रहे हैं। इस प्राइस पॉइंट में आपको ओला S1 मिल जाएगी जो ज्यादा अच्छे फीचर्स, ज्यादा अच्छा टच स्क्रीन, ज्यादा अच्छे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलते हैं और लुक वाइज वो ज्यादा बेटर आपको लगेगा, तो आप उसको प्रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इस कारण से 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो वेरिएंट है वो ज्यादा अच्छा सेंस प्रोवाइड करेगा आपको, वो लेना सबसे बेटर होगा। और इस प्राइस पॉइंट में ये जो वेरिएंट है वो काफी अच्छी रेंज, अच्छी वैल्यू अच्छा खासा निकाल के दे रहा है। मेरा जो वर्डिक्ट यही है, ओला S1 एयर का 3 किलोवाट आवर जो बैटरी पैक है वो सबसे बेस्ट होने वाला है। आपको रेंज एंग्जाइटी भी नहीं होगा, बट आपको सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे और आपको जितनी रेंज चाहिए डेली यूज में वो बहुत बेहतर है, वो ज्यादा अच्छी मिलती है। और जो टॉप स्पीड है वो भी मेरे हिसाब से बहुत सही है सिटी राइड के हिसाब से, क्योंकि 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड वो भी आपको पावर मोड में मिलेगा, बट मैक्सिमम टाइम आप इको मोड पे चलाएंगे, इको या नॉर्मल मोड पे। तो ओवरऑल यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नए हो तो भाई चैनल को चेकआउट जरूर करना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच, बाय बाय।